अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आपके? आज जो रेसिपी मैं इस वीडियो में बना रही हूँ वो बहुत ही गुड लुकिंग रेसिपी है, इफ्तार में बहुत काम आएगी। रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने अपनी चैनल पे ऐड करना स्टार्ट कर दी हैं, तो ये रेसिपी भी बहुत डिफरेंट और मज़ेदार सी चाट रेसिपी है, कटोरी चाट रेसिपी है। और कटोरी को बड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया गया, डिज़ाइनर तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कटोरी बनाने के लिए जो डो हम तैयार करेंगे वो मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया था, उसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और मैंने ज़ीरा ऐड किया। आप ज़ीरे की जगह अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। ऑयल इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये बहुत खस्ता और क्रिस्पी बने। तो यही डो है समोसे के लिए, समोसे की डो से ही हम इसकी कटोरी बनाएंगे। और कटोरी जो है आम नॉर्मली आपने देखा होगा वो सिंपल तरीके से बनाई जाती है, बट ये थोड़ी सी डिज़ाइनर कटोरी आप इसको कह लें, ये डिज़ाइनर कटोरी है और पार्टीज़ में रखी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। कुछ डिफरेंट सी टाइम टेकिंग है बट डिफरेंट रेसिपी और मज़ेदार सी बनती है। अच्छा, इसको रख देंगे 1/2 आवर के लिए और उसके बाद जो है फिर इसके पेड़े बना लें और इसकी रोटी बेल लें। तो रोटी बेलने के बाद जो है पतली सी बेल लें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए हमें और थिक भी नहीं चाहिए। और इसके बाद हम इसका बनाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के बाद इसको स्ट्रिप्स में कट कर लें। आप अपनी मर्ज़ी से मोटी स्ट्रिप्स रख लें तो जल्दी से कटोरी बन जाएगी, पतली स्ट्रिप रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आप जो हैं पतली स्ट्रिप होती हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। कोई भी कोली ले लें जो आपके पास होती है, बाउल कोली वट एवर जो भी आप इसको कहते हैं, प्याली कह लें। इस पे इस तरह से आप पानी के साथ इसको लगाते जाएं स्ट्रिप्स को। स्ट्रिप्स को ऐसे ही ऊपर नहीं रखना, ये स्ट्रिप्स एक दूसरे के ऊपर जहाँ जहाँ जॉइंट हो रही हैं वहाँ वहाँ आपने इसको पानी लगाना है। और अल्टरनेट स्ट्रिप्स को आप उठाइए और दूसरी स्ट्रिप को आप उसके साथ लगाते जाएं। मीन्स एक स्ट्रिप आपने उठानी है, एक स्ट्रिप उसके नीचे ही आएगी, उसके बाद फिर दूसरी स्ट्रिप आपने उठानी है, जब वो नीचे आएगी उसको आपने पानी के साथ स्टिक करना है। और ये हर स्ट्रिप को जहाँ जहाँ ये स्ट्रिप नीचे वाली जो गोल मैं घुमा रही हूँ ऊपर वाली स्ट्रिप्स पे जहाँ जहाँ ये मैच करेगी वहाँ वहाँ आपने इसको पानी के साथ स्टिक करना है, पानी के साथ जोड़ना है। प्याली के ऊपर पानी नहीं लगाना वरना वो प्याली से चिपक जाएगा। प्याली के ऊपर हमने ऑयल लगाया हुआ, पानी नहीं लगना चाहिए क्योंकि फिर वो पता है आपको मैदा पानी की वजह से वो कोली पे स्टिक होगा, प्याली पे स्टिक होगा और उसके बाद फिर वो ऑयल फिर अलग नहीं होगा। तो हमें जो है ये हमें जो बनानी है कटोरी इसको हमने इस प्याली से अलग करना है। तो पानी आप लगा, अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो ये ऑयल के अंदर जाकर ये सारा खुल जाएगा, तो इसलिए ये सारा प्रोसेस मैंने दिखाया है, हर स्ट्रिप कैसे मैंने जोड़ी है। एक ऊपर स्ट्रिप करें, दूसरी को नीचे रहने दें, फिर एक को ऊपर उठाएं, दूसरी को नीचे रहने दें। इसी तरह से मैंने एक चटाई गुजिया बनाई थी, वो भी यही वाला मेथड था, वो भी बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत, वो तो डिफरेंट कलर्स के साथ मैंने बनाई थी, मेरे चैनल पर ही है वो वीडियो, वो भी ट्राई कीजिएगा। और ये पानी आप लगाते जाएँ और अल्टरनेट पट्टियों को उतारते और लगाते जाएँ। मीन्स एक उठाई उसके बाद नीचे वाली रखी एंड देन एक को नीचे ही रहने दिया, फिर अल्टरनेट स्ट्रिप ऊपर उठाई। ये पानी के साथ इसको जोड़िएगा जो नई स्ट्रिप आप जोड़ेंगे, बट प्याली के साथ पानी ना लगे, अगेन मैं कह रही हूँ। और इसी तरह से हम इसको जॉइंट करते जाएंगे पानी के साथ, और पानी सिर्फ उस जगह पर जहाँ पर स्ट्रिप्स आपस में मैच कर रही हैं। बस फिर हम इसको फ्राई करेंगे और इसको छोड़िएगा मत इस तरह से बनाने के बाद, क्योंकि फिर वो आटा थोड़ा सा लूज़ होता है, लूज़ होने के बाद भी वो इधर उधर स्टिक करता है और शेप भी उसकी चेंज होती है। तो फटाफट से आप इसको बनाकर तो आप इसको फ्राई कर लेना। ऑयल पहले से हीट अप होना चाहिए, अदरवाइज ये सारा ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा। ऑयल को अच्छे से हीट अप कर लें, उसके बाद जब आप इसके अंदर ये प्याली डालेंगे तो आपको ऑयल को मीडियम करना है, मीडियम लो फ्लेम पर करना है। और बस इस तरह से आप उसको फ्राई करते जाएं, तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट्स लगते हैं और ये प्याली जो है खुद ब खुद इससे अलग हो जाती है। जब इसके साइड्स पकते हैं, क्रिस्प होते हैं, तो वो खुद ब खुद प्याली को छोड़ देते हैं। तो ये हमारी कटोरी बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत सी रेडी हो गई। इसी तरह से मैंने 3-4 रेडी कर ली थी और बहुत उलट कर भी इसको आप फ्राई कर लें, कितनी खूबसूरत लग रही है ये।
और उसके बाद बस इसके अंदर मैंने फिर चाट बनाई थी, चाट की रेसिपी भी आगे है, वो आप अपने मर्जी से जैसे भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ये आप बनाकर इसको रख लें सुबह ही, और अफ्तार के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बनाकर आप इसको बाहर ही रख लें। अब इवन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो बाद में आप इसको ओवन में 1 मिनट के लिए डिफ्रोस्ट करें और ये इजीली बड़ा खूबसूरत सा प्याली रेडी हो जाती है। ये मैंने इसके अंदर डाली बूंदियाँ, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, जो आप चाट के अंदर डालना चाहते हैं आप डालें, और फ्रूट चाट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये तो मैंने दही वाली चाट डाली है, और ये इमली की चटनी, इसकी रेसिपी मैंने चैनल पर पड़ी हुई रखूँगी अब मैं, आप देख सकते हैं बहुत आसान सी रेसिपी है। और बस ये हमारी चाट भी रेडी हो गई, एक्चुअली दही भले चाट रेडी है, ये चने भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इफ्तार में बड़ी अच्छी रेसिपी आपको एक मिल गई, होप सो कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी दिलचस्प सी रमज़ान रिलेटेड रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।